पंचायत के लोग हैं, बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। मैं तो किसी का नहीं होता, अगर 100 का लश्कर तो उससे का लग रहा इस सरकार को दिखा देंगे भाई, बदला तो लेंगे लेकिन लीगल वोट की चोट से। मैं सभी साथियों से एक विश्वास चाहता हूं, मैं हाथ खड़े करके विश्वास दो क्या आप अपनी पंचायतों का साथ दोगे इस निकम्मी सरकार को हरियाणा से बाहर करने में। लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, पंचायती राज के लोगों ने जो मुझको जिम्मेवारी सौंपी है, आपका मान और सम्मान किसी के कदमों में झुकने नहीं दूंगा ना बिकने दूंगा। मैं उस गांव का बेटा हूं जिस गांव के लोग मान सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जब तक पंचायती राज के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते, मैं ये लड़ाई ऐसे ही लड़ता रहूंगा और ये जंग ऐसी जारी रहेगी। पूरे हरियाणा के ब्लॉक प्रधान, जिला प्रधान और सभी सम्मानित हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विपक्ष के नेता के सामने पहले मैं अपना जो हमारी पंचायतों का मांग पत्र है वो पढ़कर सभी के सामने, सबसे पहली मांग है हरियाणा के पंचायती राज के लोगों की, जो संविधान के 73वें संशोधन में 11वीं सूची के 29 अधिकार दिए गए हैं वो पंचायतों को पूर्ण रूप से लागू किए जाए। राइट टू रिकॉल जो एक विवाद की जड़ है, गांव में लोगों का भाईचारा खराब करने की सरकार की सबसे बड़ी पॉलिसी है, इसको समाप्त किया जाए। ई टेंडर प्रणाली जो बिल्कुल भ्रष्टाचार की जननी है, जो इस सरकार में बैठे नेताओं ने सिर्फ अपने कमीशन के लिए लागू की है, इसको पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए। पंचायतों के प्रस्ताव में किसी विधायक का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ग्राम पंचायतें बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए। जो भी गांव में कोई भी कार्य होता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई है पंचायती राज। इसको पूर्ण स्वतंत्र किया जाए ताकि हम अपने अपने गांव और देहात का विकास कर सके, और कोई भी प्रदेश और देश तभी तरक्की करता है जब उस प्रदेश और देश के गांव तरक्की करते हैं, गांव के गांव से उठते हैं। हम लोगों ने मौजूदा सरकार को 40 बार ज्ञापन दिए, धरने दिए, और पंचकुला के अंदर जब ये आपके गांव की सरदारी वहां पहुंची तो इन लोगों ने इन आपकी पंचायतों का और आपके गांव की सरदारी का लठ मारने का काम किया। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच साथियों से और ग्रामीण जनता से एक बात कहना चाहता हूं, ये बेइज्जती हम सरपंचों की नहीं थी, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के 6226 के 26 गांव की बेइज्जती थी, क्योंकि हम लोग आप लोगों ने चुन के आके बेचे थे। पूरे ग्रामीण अंचल को लठ मारने का काम मौजूदा सरकार ने किया था। हम इस सरकार को दिखा देंगे कि पंचायती राज के लोगों की ताकत क्या है। 70% वो जनसंख्या भारत के गांव के अंदर बसती है। हम इन लोगों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर दिखाएंगे कि पंचायती राज के लोग क्या कर सकते हैं। हम इन लोगों को गांव के अंदर बिल्कुल इन लोगों का वो हाल करेंगे, इन लोगों के एजेंट भी नहीं बनेंगे बूथों के अंदर। हम बूथ सतह पर इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और अपने ग्रामीण अंचल की जो बेइज्जती की थी लोगों ने, उस बेइज्जती का बदला हर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन लोगों से चुन चुन कर लेंगे। भाइयों, ये लोग ग्रामीण क्षेत्र के बिल्कुल दुश्मन है। पहले खेती किसानी के ऊपर इन लोगों ने काले कानून थोपे, फिर आपके गांव के ऊपर ये हर प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर कारपोरेट को काबिज करना चाहते हैं, आप लोगों को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के वोट लेकर इन लोगों को इतना अत्याचार किया गया, आज कोई भी अपनी आवाज उठाता है तो उसको लठ मारने का काम किया जाता है। आपके कर्मचारियों को पिटा गया, आपके मनरेगा मजदूरों को पिटा गया, आपके सफाई कर्मचारियों को पिटा गया, आपकी पंचायतों को पिटा गया, लेकिन भाई हम तो पंचायत के लोग हैं, बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। मैं तो किसी का नहीं होता,
अगर 100 का लश्कर 200 का लग रहा इस सरकार को दिखा देंगे भाई, बदला जरूर लेवेंगे लेकिन लीगल वोट की चोट से। मैं सभी साथियों से एक विश्वास चाहता हूं, मैं हाथ खड़े करके विश्वास दो कि आप अपनी पंचायतों का साथ दोगे इस निकम्मी सरकार को हरियाणा से बाहर करने में। आज आपके नौजवान बच्चे देहात के पढ़े लिखे बेरोजगारी की वजह से विदेश के अंदर जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि रोजगार नहीं दे रहे सकती है। मौजूदा सरकार ने सभी रोजगार खत्म कर दिए हर प्रकार से। और एक स्पेशल मांग मैं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से करना चाहता हूं कि हुड्डा साहब, ये मांग मैं आपसे हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, आप सत्ता में आने के बाद इस प्रदेश के किसान और मजदूर के लिए ऐसे कानून बनाना इस प्रदेश का किसान और मजदूर दर दर की ठोकरे खाने में मजबूत ना हो। ये मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि गांव के अंदर सभी किसान और मजदूर लोग रहते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, पंचायती राज के लोगों ने जो मुझको जिम्मेवारी सौंपी है, आपका मान और सम्मान किसी के कदमों में झुकने नहीं दूंगा ना बिगड़ने दूंगा। मैं उस गांव का बेटा हूं जिस गांव के लोग मान सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जब तक पंचायती राज के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते, मैं ये लड़ाई ऐसे ही लड़ता रहूंगा और ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी। आप लोग यहाँ पहुंचे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 36 बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र